हम लोग कन्फर्मर के बारे में डिस्कस कर रहे थे. नाउ द कन्फर्मर ऑफ साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन एटसेट्रा. तो यदि हम इसके अंदर बात करें अबाउट द, पहली हम लोग बात कर रहे हैं, फर्स्ट वन इज द साइक्लोप्रोपेन. आपको पता है कि साइक्लोप्रोपेन मतलब ये आपका हो गया थ्री मेंबर्ड सिस्टम, थ्री मेंबर्ड सिस्टम, और इसके बाद एच एंड दिस एच, इधर भी एच रहा, इधर भी एच रहा, दिस एच एंड एच. तो साइक्लोप्रोपेन सिस्टम रहा है. साइक्लोप्रोपेन सिस्टम के अंदर हर कार्बन प्लेन पर एग्जिस्ट करता है, हर कार्बन एक प्लेन पर एग्जिस्ट करता है. और इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक ही कन्फर्मर पॉसिबल होता है, दैट कन्फर्मर इज द एक्लिप्स फॉर्म. इसके अंदर स्टैगर्ड पॉसिबल नहीं होता. इसलिए हम लोग यहां पर जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट आप इसको समझें, हम आपको शो भी करेंगे. साइक्लोप्रोपेन एग्जिस्ट इन फोर्स्ड फोर्स्ड एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. फोर्स्ड एक्लिप्स कन्फर्मेशन, नो अदर फॉर्म इज पॉसिबल, नो अदर फॉर्म इज पॉसिबल. दूसरी फॉर्म इसके अंदर पॉसिबल नहीं है. वो क्यों नहीं है, आप उस चीज को थोड़ा ऐसे समझें. मान लीजिए हम लोग साइक्लोप्रोपेन को शो कर रहे हैं, और शो करने के लिए आपने यहां से व्यू किया, इधर से हमने व्यू करना इसको स्टार्ट किया. दिस इज द नंबर वन कार्बन एंड दिस इज द नंबर टू. वन के पीछे टू पड़ेगा, और थ्री पॉइंट्स हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं. आपको पता ही है कि थ्री पॉइंट्स हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं. और वन के बगल वाला जो कार्बन है, दिस इसको हम लोग बोल रहे हैं दिस इज द अल्फा. और टू के बगल वाला है, जस्ट बगल वाला है, तो इसको भी हम अल्फा बोल रहे हैं. मतलब अल्फा जो है वो कॉमन है, वन और टू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है. अब यदि आप यहां से व्यू करते हैं इसको, तो एक कार्बन के पीछे दूसरा कार्बन, एक कार्बन के पीछे दूसरा कार्बन. तो देखें आपकी, दिस इज सपोज बैक कार्बन, ये हमारा बैक कार्बन हुआ, इसके ठीक सामने ये फ्रंट कार्बन हुआ, ये आपका फ्रंट कार्बन हुआ. और बेसिकली जो वन और टू है, इसमें देखें आप, बाद में इसको हटा देंगे, दिस इज द नंबर वन एंड दिस इज नंबर टू. वन और टू जो है वो कॉमनली अल्फा के साथ कनेक्टेड हैं, अल्फा के साथ कनेक्टेड हैं. तो हम इसमें ऐसा शो किए देते हैं, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज जीरो डिग्री. जब एंगल जीरो डिग्री होगा तभी आपका एक्लिप्स फॉर्म होगी.
इसके साथ साथ यदि हम लोग यहां पर अब शो करें वन और टू को हटा देते हैं तो आपको मालूम है कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो 120 पर लगे रहते हैं, एक बॉन्ड इधर रहा एक बॉन्ड इधर रहा। इसके जो ठीक पीछे वाला है उसमें भी क्या एक बॉन्ड इधर रहेगा और एक बॉन्ड इस साइड पर रहेगा और यहां पर क्या आ गए आपके बेसिकली H, दिस इज H, दिस इज H एंड दिस इज H। ये आपका जो कन्फर्मेशन हुआ दिस कन्फर्मेशन इज एक्लिप्स्ड। तो साइक्लोप्रोपेन के अंदर सिर्फ एक्लिप्स कन्फर्मेशन ही पॉसिबल होता है। आप इसको घुमाने की यदि बात करोगे तो आप सोचो कि ये यदि घूम जाए तो क्या घूम सकता है, ये आपका रोटेट नहीं कर सकता। जब ये रोटेट नहीं कर सकता उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये कार्बन इसके साथ कनेक्टेड है दोनों के साथ, तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या है एक रिजिडिटी आ रही है और जब स्ट्रक्चर के अंदर रिजिडिटी आ रही है तो इसका मतलब आप बोलेंगे, जब रिजिडिटी आ रही है तब आप बोलेंगे कि इसके अंदर अब फर्दर कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इसमें हम आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं, देखना आप। जो आगे ज्योमेट्रिकल में पढ़ेंगे, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ सिस एंड ट्रांस फॉर्म ऑफ 1,2-dimethyl साइक्लोप्रोपेन। आप समझे इसको, मान लीजिए यहां थ्री मेंबर रिंग इज फ्लैट, एक ही प्लेन में आपके यहां पर कार्बन एग्जिस्ट करेंगे। तो यदि हम सिस और ट्रांस की बात करें तो देखें इस पर हम ऐसे बॉन्ड शो कर देते, एक हमने और थ्री मेंबर रिंग लिया, बॉन्ड को इस टाइप से शो करेंगे। तो यदि H और H सेम साइड रहे तो सिस, आप सोच सकते हो ये वाला भी H रहा और ये भी H रहा, दिस वन इज मिथाइल एंड दिस वन इज मिथाइल। इस लाइन के अबाउट हम बात कर रहे हैं, इट्स ए पावर कट, दो मिनट वेट करो तब तक हम लिखे देते हैं। जो हमारा पहला वाला दिख रहा है, फर्स्ट वाला, दिस फॉर्म इज सिस, क्योंकि लाइन के अबाउट मिथाइल ग्रुप सेम साइड है और लाइन के अबाउट यहां पर हम लोग बोलेंगे इसको दिस इज द ट्रांस, सिस फॉर्म एंड ट्रांस फॉर्म। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है तो इसके लिए बेटर है हम इसका कंफर्मर फॉर्म करेंगे। कन्फर्मर जब फॉर्म करेंगे आप तो देखें कि एक कार्बन तो हमारा रियर हो गया पीछे वाला, आप मान लीजिए यहां से देख रहा हूं
इधर से हम इसको विजुलाइज कर रहे हैं, ये हमारा सेंट्रल हो गया। तो बेसिकली ये वाला जो है एक कॉमन से कनेक्टेड है, हमने आपको भी बताया कि साइक्लोप्रोपेन के अंदर सिर्फ एक ही फॉर्म पॉसिबल होती है, दैट इज द एक्लिप्स कंफर्मेशन। तो बेसिकली एक बॉन्ड इधर हो गया और एक बॉन्ड इधर हो गया। नो, दूसरी बात की जाए, एक्लिप्स के अंदर बाकी की बॉन्डिंग किस टाइप की होगी? ये वाला होगा और ये वाला होगा। जरा दूसरे पे आते हैं हम लोग, इसको आप ऐसे सोच लो कि बनता तो ये सेम ही है, सिर्फ ग्रुप का ही चक्कर पड़ेगा थोड़ा कॉपी। एंड पेस्ट। अब जब यहां से आप दिखाई दे रहे हो, देख सकते हो कि ये हमारा, इस साइड से व्यू करो तो ये वाला हमारा फ्रंट का हो गया, नंबर वन फ्रंट हो गया, नंबर टू आपका बैक हो गया, दिस इज अल्फा। तो नंबर वन आपका कौन सा हो गया? ये रेड वाला। नंबर टू जो हो गया आपका पीछे वाला हो गया, दिस वन इज अल्फा। यहां से हम देखेंगे तो आप देख सकते हो कि H और H सेम साइड दिखेंगे, H और H सेम साइड दिखेंगे, मिथाइल और मिथाइल सेम साइड दिखाएंगे देंगे इसमें। तो एक दूसरे के ऊपर मिथाइल आ गया, मिथाइल मिथाइल इस साइड पर H और ये भी H। अब यदि हम दूसरे वाले को देखें, दिस वन इज अल्फा, ये आपका नंबर वन रहा एंड दिस इज द नंबर टू। तो मिथाइल और एच अपोजिट साइड हैं, तो इस केस में यहां पर क्या आ जाएगा? मिथाइल पहले वाले पर देखेंगे आप, तो पहले वाले पर एक मिथाइल लगा हुआ है और एक एच लगा हुआ है। पीछे वाले की बात करें, आगे वाले की बात करें, थीटा डिग्री इसके अंदर जीरो रहेगा। तो मान लीजिए आगे से देखा आपने, ये वाला एच रहा और इस पे दूसरा वाला जो H ग्रुप है ये हमारा मिथाइल रहा, H पर मिथाइल, और ये वाला हमारा हो जाएगा दिस इज द मिथाइल और एंड मिथाइल पर गया H। तो देख सकते हैं आप कि यहां पर मिथाइल और मिथाइल की एक्सटर्नल स्ट्रेन लगनी चालू हो जाएगी। तो सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म के अंदर जो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस फॉर्म से क्या होगी? ज्यादा होगी। साइक्लोप्रोपेन रिंग की बात कर रहे हैं, इट इज द इंपॉर्टेंट रिंग। अब इसी के अंदर हम आपसे एक पॉइंट और बोलते हैं, जो टेट्राहेड्रल एंगल होता है उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और हम मानते हैं जब बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है तो उस टाइम पर कोई भी स्टेरिक फैक्टर्स वर्क नहीं करते, कार्बन के अंदर कोई स्ट्रेन नहीं होती। द रियल, यहां देखें आप, द एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। किसका? यदि आपने थ्री मेंबर रिंग ले लिया, इस साइड भी H और इस साइड भी H, तो ये कार्बन हमारा किस टाइप का हाइब्रिडाइज्ड है? sp3। sp3 का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। अब CH4 में इतना ही तो होता है, एथेन में भी इतना लगभग इसी के आसपास होगा, बाकी स्ट्रेन हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये हमारा sp3 का हो गया। बट रियल बॉन्ड एंगल इज 60 डिग्री, बट कार्बन इज स्टिल sp3।
तो यहाँ हम दो पॉइंट बोल रहे हैं जो हम आपसे केमिकल बॉन्डिंग में इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं. टोटल एस करेक्टर परसेंटेज एस करेक्टर इज हाउ मच 100%. जितने भी साइक्लोप्रोपेन रिंग में कार्बन दिखाई दे रहे हैं वो चार जगह कनेक्टेड हैं, तो टोटल एस करेक्टर कितना होना है 100%. तो परसेंटेज ऑफ, यहां देखें ध्यान करो, परसेंटेज ऑफ एंडोसाइक्लिक ऑर्बिटल्स एंड परसेंटेज ऑफ एक्सोसाइक्लिक ऑर्बिटल्स. यहां परसेंटेज किसका, परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर. तो बेसिकली यहां पर आता है आपका, दिस इज द 16% 17% के पास आसपास आता था. मान लीजिए ये 16% है तो हमारा ये निकल के आता कितना, 34%. और इसी रिंग में आप ध्यान रखें, द इंटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस, इंटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्ड पेयर, बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज लेस. विच लीड्स टू हाई रिपल्शन. और भी हमने बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स इसके डिस्कस किए थे आपसे, आपको बताया था अबाउट द बैंड बनाना बॉन्ड्स. केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, टाऊ बॉन्ड्स आपको बताए थे. तो फिलहाल आप ध्यान रखना कि न्यूमैन प्रोजेक्शन जब हम लोग साइक्लोप्रोपेन का क्रिएट करते हैं तो एक ही टाइप का बनता है, एंड दिस इज दैट इज द एक्लिप्स कन्फर्मेशन. वो हमारा एक्लिप्स फॉर्म आती है. अगला हम लोग लिख रहे हैं अबाउट साइक्लो ब्यूटेन सिस्टम. साइक्लोब्यूटेन सिस्टम, यू रिमेंबर द साइक्लोब्यूटेन सिस्टम, साइक्लोब्यूटेन कम आउट ऑफ एक्लिप्स कंफर्मेशन. इसके अंदर एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड द फ्लिपिंग, उसको हम लोग बोलते हैं जेली फ्लिपिंग. तो जेली फ्लिपिंग के चलते हुए ये क्या, एक्लिप्स कन्फर्मेशन से थोड़ा सा चेंज हो जाता है और उसमें बॉन्ड एंगल थोड़ा आपका चेंज करता है 90 डिग्री टू 87.5 डिग्री एंड इट्स टेक्स द स्क्यू कन्फर्मेशन. ये हमारा स्क्यू कन्फर्मेशन लेता है. साइक्लोब्यूटेन सिस्टम की हम यदि बात करें तो आप देखें कि साइक्लोब्यूटेन सिस्टम ये वाला हो गया. साइक्लोब्यूटेन सिस्टम इस टाइप से हो गया. हालांकि हम इसको जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग वो रिप्रेजेंटेशन जब करेंगे तो इस टाइप से कर हो गया. एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, दोनों ऊपर वाले जो रेड कर दिए ये एक तरफ और नीचे वाले जो ग्रीन है ये वाले एक तरफ. लेकिन इसमें समस्या क्या, चारों पॉइंट एक प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करता. इसको हम लोग बोलते हैं जो स्ट्रक्चर्स होता है ये थोड़ा पुकर्ड स्ट्रक्चर होता है. आप सोचें कि इस टाइप से चार पॉइंट हैं,
एक पॉइंट इधर पड़ा, दूसरा पॉइंट इधर पड़ा, तीसरा पॉइंट इधर पड़ा, चौथा प्लेन से थोड़ा सा नीचे हो गया, ये आपका पुकड़ स्ट्रक्चर जनरेट होता है। अब इसमें आप देखें कि जो कन्फर्मर होता है, इस कन्फर्मर से ही मतलब है हमको, अदरवाइज हम सबक बाकी चीज़ें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखेंगे। रिंग सिस्टम, फ्रंट कार्बन, ये हमारा फ्रंट कार्बन हुआ, ये वाला हमारा बैक कार्बन हुआ। फ्रंट और बैक के बीच में दो कार्बन एग्जिस्ट कर रहे हैं, अल्फा एंड बीटा। एक्लिप्स नहीं रहता ही, ये सेंटर से गया, मतलब कुछ ना कुछ एंगल बन गया होगा। नाउ दिस इज एच एंड दिस वन इज ऑल्सो एच। अब बेसिकली एक तो हमारा ये वाला हो गया, अब इसके अंदर आप बोलोगे कि एक एच आपका कहीं इधर पड़ रहा होगा, थोड़ा डिस्टेंस पे चला जाएगा, और एक एच हमारा यहां पड़ रहा होगा, ये कुछ डिस्टेंस पे चला जाएगा। पुकड़ स्ट्रक्चर है, ये पुकड़ स्ट्रक्चर है, और हम लोग बोलते हैं कि ये स्क्यू कन्फर्मेशन स्क्यू कन्फर्मेशन में ये एग्जिस्ट करता है, जो साइक्लोब्यूटेन सिस्टम है, और इसके अंदर जो फ्लिपिंग चलती है ऊपर से नीचे सा हो गया, पुकड़ स्ट्रक्चर है तो कभी नीचे कभी एक कार्बन, कभी दूसरा कार्बन, कभी तीसरा, तो जो फ्लिपिंग चलती है उसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज द जेली फ्लिपिंग। आपसे पूछ ले कि जेली फ्लिपिंग कहां पर एग्जिस्ट करती है, तो आप सिंपली से बोल देंगे साइक्लोब्यूटेन के अंदर। Then cyclopentane system, cyclopentane system, इसके अंदर जो flipping होती है, इसमें भी flipping होती है, उसको jelly flipping नहीं बोलते हम लोग, that is called envelope। तो साइक्लोपेंटेन का जब हम कन्फर्मर शो करते हैंगे, तो आप देखें कि ये हमारे पास रिंग इस टाइप की होगी, फाइव मेंबर रिंग, फ्रंट कार्बन, मान लीजिए भाई ये फ्रंट कार्बन है, एंड दिस इज नंबर टू। तो फ्रंट कार्बन वन और टू के बीच में तीन कार्बन है, टोटल कार्बन थ्री फोर एंड दिस इज फाइव। यहां देख सकते हो आप, दिस इज द वन टू थ्री फोर एंड लास्ट वाला फाइव, जो सर्कल है दैट इज द फाइव। अब फ्रंट वाले में ये एंगल आया एच, एक एच आया, पीछे वाले में एक एच इधर आएगा, पीछे वाले में एक एच इधर आएगा, और इस वाले में इधर आ जाएगा। ये बेसिकली पूरा घूम के 60 डिग्री पे आ रहा है, हम इसको प्रॉपरली नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। आप इसमें सोचें कि ऐसा कुछ आया होगा, ये साइक्लोपेंटेन सिस्टम हो गया। साइक्लोपेंटेन सिस्टम के बाद
जो साइक्लोहेक्सेन है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है। तो हम इसका आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं, साइक्लो हेक्सेन सिस्टम, साइक्लोहेक्सेन सिस्टम। साइक्लोहेक्सेन सिस्टम जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज्योमेट्रिकल की बेस पर भी इंपॉर्टेंट है और ऑप्टिकल के बेस पर भी इंपॉर्टेंट है। देखें हम लोग यहां पर एक साइक्लोहेक्सेन सिस्टम लेके चलते हैं। साइक्लोहेक्सेन इज व्हाट, इट इज द C6 और H12। हर सेंटर पे दो H हैं। मान लीजिए आपकी ये वाला आपका कार्बन जो है इसको हमने नाम दे दिया अल्फा और इसको आपने दे दिया बीटा। अल्फा के बगल में 1 और इसके बगल में 2, यहां पर इसके बगल में 1' और इसके बगल में 2'। ओरिएंटेशन हम इसके अंदर जनरेट कर रहे हैं। अब बेसिकली क्या आपको मोस्ट स्टेबल इसका कंफर्मर बनाना है, मोस्ट स्टेबल बनाना है सपोज, क्योंकि इसकी भी आइसोमेरिज्म इसमें भी जब फ्लिपिंग वगैरह चलेगी तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, हम मोस्ट स्टेबल की बात कर रहे हैं। तो देखें आपकी इधर से जब आप व्यू करेंगे 1 और 2, पहले आप देखेंगे यहां से 1 और 2 और इधर भी 1 और 2। जब अल्फा से हम लोग बीटा को, अल्फा की साइड से हम जब बीटा को देखेंगे तो आप देख सकते हो कि अल्फा और बीटा एक दूसरे के पीछे ही पड़ेंगे, यदि ये 6-मेंबर सिस्टम है तो। बेसिकली इस रिंग सिस्टम के अंदर, इस पर्टिकुलर रिंग सिस्टम के अंदर हम लोग ऐसा शो कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं उसको हम समझाते हैं आपको। ये रिंग सिस्टम, ये आपका हो गया बैक कार्बन जिसको हम बोलते हैं रेयर कार्बन। इसके ठीक सामने फ्रंट और ये वाला भी हमारा फ्रंट। तो टोटल जो कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं वो 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। टोटल कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? 4। और पूरा रिंग सिस्टम है तो ये सब आपस में क्या है, कनेक्टेड है। आपस में यदि ये कनेक्टेड है तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट कार्बन, यहां पर फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट के पीछे सेकंड कार्बन, सेकंड जो है वो बीटा से लगा हुआ है, फर्स्ट के पीछे दूसरा और उसके बाद बीटा से लगा हुआ है। यहां हम लोग बात करें इसमें इस टाइप से, ये आपने सामने वाले में कनेक्ट कर दिया। और कोई स्विस वाले में कन्वर्ट, दिस इज द कार्बन। इसके बाद यहां से कुछ इस टाइप से आया, फ्रंट से आया और ये जाके बैक में अटैच्ड हो गया। आपको मालूम है कि बेसिकली जब हम लोग कन्फर्मर बनाते हैं तो बॉन्ड्स जो होते हैं वो 120 पर ऐसे बनाते हो, एक तो आपका इस तरफ चला गया, एक इस तरफ चला गया और एक इस तरफ आ गया। इसमें कलर थोड़ा चेंज किए देते आपको थोड़ा बेटर रहेगा। क्या दोनों कलर एक, अबे लाल रंग में और वॉलेट कलर में तुम्हें डिफरेंस नहीं दिखाई देता, आप कलर ब्लाइंड हो क्या जानवरों की तरह? ये साइड पर लगा
ये रेड वाला हो गया वॉलेट। अब वॉलेट में देखें आपकी जो ये आपका वॉलेट वाला लग गया था, हम इसको अल्फा बोल सकते, इसको बीटा बोल सकते। तो वॉलेट इधर लगा हुआ है, एक वॉलेट आपका यहाँ लगेगा दूसरा, एंड दिस इज द थर्ड वन। जो रेड वाला आ रहा है वो इस सेंटर से इस तरफ आ जाएगा और एक इस तरफ से। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म। तो यहां हम जो बात कर रहे हैं वो आपकी चेयर फॉर्म की बात कर रहे हैं, चेयर फॉर्म की बात कर रहे हैं। आप देखो हैं कि यहां वाला जो बॉन्ड है, बेसिकली अभी तो यहां पर एच है, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं दिस इज द एक्सियल। कुछ लिख नहीं रहे हैं आप, सोचो कि यहां पर हाइड्रोजन होगा एक्सियल। दिस वन इज अगेन एक्सियल। ये वाला हमारा जो हो गया दिस बॉन्ड इज, या जो भी ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा हुआ है। ये वाला भी हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा हुआ है। इसमें देखें आपकी इधर पर जो ग्रुप है, दिस ग्रुप इज एक्सियल, और आपका ये वाला ग्रुप जो है, दिस ग्रुप इज इक्वेटोरियल, सॉरी एक्सियल। एक्सियल ये वाला जो है आपका, दिस वन इज रेड कलर से, ये आपका इक्वेटोरियल एंड दिस इज द एक्सियल। कुछ इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बना दिया, क्यों बनाया वो हम लोग बाद में देखेंगे। अब साइक्लोहेक्सेन के अंदर जो हम बनाते हैं, समझे आप कि दिस इज द चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर में। और आप देखें कि इसके अंदर इस पॉइंट को आप नीचे ले जाएं पुल करते हुए, इस पॉइंट को आप ऊपर ले जाएं पुल करते हुए, नीचे और ऊपर। तो ये यहां भी क्या करेगा, एक चेयर फॉर्म बना देगा। इधर भी आपको ये चेयर फॉर्म बना देगा। तो दोनों चेयर फॉर्म के बीच में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, दोनों चेयर फॉर्म के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, दो टाइप के बॉन्ड दिखाते हैं। देखें आप, हम रेड कलर लेके चल रहे हैं, ये ऊपर ये नीचे, अल्टरनेट, ये ऊपर ये नीचे, ये वाला ऊपर ये वाला नीचे। ये रेड वाले जो सारे बॉन्ड हैं, हमने आपको रिप्रेजेंट करा रेड बॉन्ड, ये सभी एक्सियल बॉन्ड हैं। और यहां हम दिखा रहे हैं ग्रीन, ग्रीन आर इक्वेटोरियल, ग्रीन बॉन्ड्स आर इक्वेटोरियल। तो एक्सियल दिस इज इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल ये इक्वेटोरियल, एक्सियल आपका ये इक्वेटोरियल। जब हम लोग रिंग को फ्लिप करते हैं, मतलब एक चेयर फॉर्म से दूसरी चेयर फॉर्म बनाते हैं, तो एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं और इक्वेटोरियल एक्सियल में। और फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फ्लिपिंग। तो देखें आपकी, आपने इस पॉइंट को नीचे पकड़ के पुल कर दिया था, तो रेड वाले जो तुम्हारे ग्रीन वाले बॉन्ड्स हैं वो सारे एक्सियल हो जाएंगे। ये एक्सियल, इसके ऊपर
दिस इज HCl, अल्टरनेट चलते हैं, HCl, दिस इज HCl, दिस वन इज HCl एंड दिस वन इज HCl, और रेड वाला हमारे अब इक्वेटोरियल हो गए। यहां पर आपका जो ग्रीन है, ग्रीन वाला HCl हो चुका है और रेड वाला इक्वेटोरियल हो चुका है। आप सोचें कि इसके ऊपर हम लोग एक ग्रुप लगा दें A1, A2, दिस इज A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12। तो जैसे आपने फ्लिपिंग करी, एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल में चेंज हो जाएगा। तो यहां देखें आप कि यहां पर जो ग्रीन बॉन्ड था इस पहले सेंटर पर, वो आपका इक्वेटोरियल था, ये पॉइंट आपका नीचे आ गया, मान लीजिए ये वन है, इसको नंबर वन कर दिया। तो अब यहां पर आप जो बॉन्ड बना देंगे, दिस इज द बोलेंगे A2 और ये वाला A1। ऐसे ही हर सेंटर पर आप HCl इक्वेटोरियल पे चेंज करते जाएंगे, जो HCl पोजीशन पे लगा हुआ है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, कंफर्मर कैसे बनता है, इसी में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। और जो ये हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन किया था, ये रिप्रेजेंटेशन हमने कैसे किया, उस पर हम बात करते हैं। नाउ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन सिस्टम, इस सिस्टम को अब हम प्रॉपरली न्यूमैन पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ओवर द न्यूमैन प्रोजेक्शन, जस्ट ए मिनट। हाँ बड़ा ना लाइट, ठीक। तो साइक्लोहेक्सेन सिस्टम, साइक्लोहेक्सेन सिस्टम हो गया आपका रिंग और हर सेंटर पर दो H, तो बेसिकली इट इज द C6H12, इट इज C6H12, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन सिस्टम हुआ। अब आप समझना साइक्लोहेक्सेन सिस्टम को, हमने यहां पर साइक्लोहेक्सेन सिस्टम बनाया, दिस इज फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज सेकेंड कार्बन, इस तरफ हमने 1' ले लिया और इस तरफ 2' ले लिया। पहला वाला ये अल्फा हो गया और ये बीटा, अल्फा बीटा के थ्रू दोनों कनेक्टेड हैं, और जब हम इसको व्यू कर रहे हैं तो व्यू हम लोग इस लाइन के थ्रू कर रहे हैं यहां पर। बाकी तो आपको मालूम ही है, यहां पर 2H होंगे, 2 पर भी 2H होंगे, इसको हम लोग इस टाइप से व्यू कर रहे हैं। बैक फ्रंट, बैक और ये फ्रंट, इसको तो विजुलाइज करने के लिए आप देखें कि 1, 2 से कनेक्टेड है। तो पहला वाला हम लोगों ने जो लिया, बात सपोज करने की, आप किसको क्या ले रहे हो, ये मान लीजिए सपोज फर्स्ट है, दिस इज द सेकेंड, दिस इज 1' एंड दिस वन इज 2', 1' एंड 2'। तो 1 और 1' आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से थ्रू द अल्फा,
यहां से हम इसको दिखाई दे रहे हैं. दूसरा वाला पॉइंट टू और टू डैश आपस में कनेक्टेड है. लेकिन आपको मालूम है कि जो इसका ओरिएंटेशन आना है दिस इज लाइक दिस. ब्लू वाले को देखें आप, जो ब्लू वाले में हमने कनेक्शन दे रखा है उसके हिसाब से एक यहां पर आ जाएगा और एक यहां पर आ जाएगा. सिमिलरली वन डैश पर दिस इज वन डैश, 120 पे होंगे ये इस डायरेक्शन में होगा. ब्लू वाला आपने एड्रेस कर दिया, एक यहां पर आ जाएगा और एक इस पोजीशन पर आ जाएगा. वन और वन डैश जो है वो कनेक्टेड है थ्रू द अल्फा एंड दिस इज द बीटा. ये साइक्लोहेक्सेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन हम शो कर रहे हैं. तो जो रेड बॉन्ड है आपका, दिस बॉन्ड इज द एक्सियल बॉन्ड, दिस वन इज इक्वेटोरियल बॉन्ड, दिस इज इक्वेटोरियल, दिस इज एक्सियल. इसके बाद अल्फा बीटा के बारे में हम कुछ अभी जज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि ये कोई प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होता. दिस वन इज एक्सियल, दिस वन इज इक्वेटोरियल, ये हमारा एक्सियल है और इसका एक्सियल हो गया था तो इसका ये इक्वेटोरियल हो गया. तो हर अगल बगल वाले सेंटर पर एक्सियल्स जो होंगे वो अपोजिट होंगे, इक्वेटोरियल भी क्या अपोजिट होगा. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अब आप सोचें कि जो हमको एक बहुत ही बल्कि ग्रुप एड्रेस करना है, इसी पॉइंट को आपको समझना है कि बहुत बल्कि ग्रुप मान लीजिए एड्रेस करना है तो बल्कि ग्रुप हमेशा आप एड्रेस करेंगे ओवर द इक्वेटोरियल पोजिशन. कोई भी इक्वेटोरियल पोजीशन पर आप बल्कि ग्रुप एड्रेस करेंगे तभी जाके आपका जो ये वाला बॉन्ड है, देख सकते हो आप, इसके जस्ट ये आपका एंटी फॉर्म पे लगा हुआ है. तो बल्कि ग्रुप एग्जिस्ट एट इक्वेटोरियल पोजीशन. बल्कि ग्रुप ऑलवेज अटैच्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन. बल्कि ग्रुप ऑलवेज अटैच्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, चाहे वो मिथाइल रहा हो, चाहे इथाइल रहा हो, आइसोप्रोपाइल रहा हो, आइसोब्यूटाइल, वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही अटैच होते हैं क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन जो है वो एक तरह से एंटी कन्फर्मर बनाती है. एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक्लिप्स नहीं बनाती, एंटी बनाती. तो जब इक्वेटोरियल पोजीशन पर ग्रुप लगेगा तो ऐसे केस में टॉर्सनल स्ट्रेन वहाँ पर नहीं होगी. अब बात आती है चेयर फॉर्म की. हम इसमें एक कन्वेंशनल चेयर फॉर्म शो कर रहे हैं आपको. देखें आप कि सपोज दिस इज द चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म में हमने आपको बताया कि हर सेंटर पर एक्सियल बॉन्ड होगा और इक्वेटोरियल. तो एक्सियल रेड वाला, एक ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर और फिर एक नीचे. इक्वेटोरियल जो होगा दिस इज ग्रीन वन, ये इक्वेटोरियल, दिस इज इक्वेटोरियल, दिस इज इक्वेटोरियल, दिस वन इज इक्वेटोरियल,
दिस वन इज इक्वेटोरियल. तो ये साइक्लोहेक्सेन रिंग हो गया. इस रिंग में क्या होता है कि फ्लिपिंग होती है, आपको जो बताया था, ये नीचे की तरफ मूव करता है और ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करता है. तो चेयर फॉर्म जब प्रॉपरली फ्लिप करती है तो चेयर से चेयर फॉर्म, चेयर से चेयर फॉर्म, चेयर से चेयर फॉर्म जब फ्लिप होगा तो फिर से एक चेयर बन जाती है इस टाइप की. फिर एक चेयर फॉर्म बन जाएगी और ये वाली जो चेयर फॉर्म होगी, आप थोड़ा इसमें देखें कि ये जो बॉन्ड होंगे वो भी एक्सियल, अब ग्रीन वाले जो हैं वो एक्सियल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्रीन एक्सियल में. और रेड वाला आपका इक्वेटोरियल पर. रेड आपका इक्वेटोरियल. ये रिंग की क्या हुई, फ्लिपिंग हो गई. अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली हिंड्रेंस जो जनरेट होता है, तो आपने इसको नंबर दे दिया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. इसको भी नंबर दिए देते 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये रैंडम नंबर दे दिए हम लोगों ने. हालांकि 1 जो है वो नीचे आ गया था, तो आप सोच सकते हो कि ये वाला हमारा 1 होना चाहिए, ये हमारा 1 होना चाहिए था. खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. चेयर जब फ्लिप करती है तो दूसरी टाइप की एक चेयर फॉर्म जनरेट हो जाती है, मतलब चेयर चेयर फॉर्म जनरेट हो जाती है. तो हम यहां कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, इन पॉइंट्स को आप थोड़ा समझना. साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट mainly in chair form. Number 2, when chair form flips, another chair form is formed, but all the axial bond convert in equatorial. Equatorial and equatorial converts in axial. Third point, जब conformer बनते हैं तो बहुत सारी फॉर्में बनती हैं, बोर्ड फॉर्म बनती है, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म बनती है, हाफ चेयर बनती है, अभी हम दिखाते हैं आपको. तो रिमेम्बर इसमें ध्यान रखना कि आउट ऑफ ऑल कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ऑल कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन
half chair form. Is least stable. Half chair form is least stable because it is eclipsed. Because it is eclipsed. And having very high angle strain, very high angle strain, उसका bond angle लगभग 120 degree के आसपास होता है. अगला पॉइंट ध्यान रखना कि बोट फॉर्म इज, अभी लिखते चलो आप समझ रहे हैं इसमें हम लोग, बोट फॉर्म इज मोर स्टेबल, बोट फॉर्म इज मोर स्टेबल देन हाफ चेयर. जो बोट फॉर्म है वो भी इट इज ऑल्सो एक्लिप्स्ड, ऑल्सो एक्लिप्स बट एंगल स्ट्रेन इज मच लेस. Next form, twisted boat. Twisted boat is more stable than boat. बोट फॉर्म के अंदर एक स्पेशल टाइप का रिपल्शन होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लैगपोल इंट्रैक्शन, जबकि ट्विस्ट बोट के अंदर फ्लैगपोल इंट्रैक्शंस नहीं होते हैं. और सबसे ज़्यादा स्टेबल चेयर फॉर्म होती है, क्योंकि चेयर फॉर्म आपकी जो होती है वो स्टैगर्ड नेचर की होती है, स्टैगर्ड फॉर्म की होती है. तो यहाँ पर आप देखें कि हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, थोड़ा समझें. साइक्लोहेक्सेन का भी जो स्ट्रक्चर है, दिस इज ऑल्सो पुकर्ड, ये भी हमारा पुकर्ड स्ट्रक्चर होता है. आप देख सकते हो कि एक चेयर दिखाई दे रहा है आपको और एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, चेयर फॉर्म एंड बोर्ड फॉर्म. और बाकी के जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, एक उसमें एक्सियल है और दूसरा क्या है आपका, इक्वेटोरियल है. चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म, चेयर कन्फर्मर, साइक्लोहेक्सेन चेयर, बॉन्ड एंगल 111.5 डिग्री और 112 आपका किसका होता है, प्रोपेन का होता है. खैर इन सब चीज की हमको ज्यादा जरूरत नहीं है. फिर इस पर आएंगे, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म. चेयर को हमने रेफरेंस ले लिया तो इसकी एनर्जी 0 किलोजूल पर मोल बोल दी, और जब हालांकि 0 नहीं होती है, और जो बोट फॉर्म है इट इज 29.
the chair conformation has more lower energy than boat form. Interconversion देखो आप, इस interconversion में हम क्या कर रहे हैं basically, आप समझो हैं, जो भी आपकी chair form है, इस chair form में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो चेयर फॉर्म का कंफर्मेशन था, चेयर फॉर्म में एक पॉइंट को आपने ऊपर उठाया तो जो ट्रांजिशन स्टेट आई, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है एक टाइप का एनवलोप, और इसके बाद आपने उसी पॉइंट को ऊपर मूव कर दिया, देन इट इज द बोट फॉर्म। ये हमारी बोट फॉर्म आ रही है। तो चेयर, एनवलोप एंड बोट, एनवलोप कंफर्मेशन के अंदर रिंग स्प्लिनर देख सकते हो आप, अपने पूरा जो रेड कलर का यूज करा है पूरा, वो सारा ऑलमोस्ट एक ही प्लेन पर है। रिंग स्प्लिनर एक्सेप्ट फॉर पीक, पीक आपका जो हो जाता वो दूसरे प्लेन में चला गया। या बॉन्ड एंगल जो है इट इज द 120 डिग्री। हाइड्रोजन ऑन प्लेनर पार्ट ऑफ रिंग आर एक्लिप्स टॉर्शनल स्ट्रेन। हाइड्रोजन ऑन प्लेनर पार्ट ऑफ द रिंग आर एक्लिप्स, एक्लिप्स फॉर्म में होती है, एक्लिप्स फॉर्म में होगी तो ऐसे केस में वहां टॉर्शनल स्ट्रेन जनरेट हो जाएगी। बॉन्ड एंगल इन प्लेनर पार्ट ऑफ रिंग आर 120 डिग्री। 120 डिग्री है तो मतलब इसका एंगल स्ट्रेन इसके अंदर आ गया, और एंगल स्ट्रेन आपको याद हो कि हमने बोला था कि SP3 का जो प्रॉपर टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, उसको हम लोग रेफरेंस लेके चलते हैं स्ट्रेन का। इसके बाद ही हम पूरा कन्फर्मर बनाए। पहले चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म में आपने एक पार्ट को लिया और उसको ऊपर उठा दिया तो एनवलप फॉर्म हो गई। एनवलोप के पास फिर से उस पॉइंट को ऊपर आपने पुश करा, ये हमारी बोट फॉर्म हो गई। और जो बोट फॉर्म का पार्ट, जो बोट बनी, बोट के ठीक सामने वाले को नीचे करा, वो एनवलोप टू हो गया, और उसके बाद चेयर टू आ गई। तो बेसिकली यहां पर जो बन रहा है हमारा, चेयर फॉर्म से चेयर फॉर्म में इंटर कन्वर्जन हो रहा है, चेयर फॉर्म से चेयर फॉर्म में इंटर कन्वर्जन हो रहा है। चेयर फॉर्म टू चेयर फॉर्म, इसका हम एक डायग्राम बना रहे हैं। ये डायग्राम आप बना रहे हैं, एनर्जी इन किलो जूल पर मोल, या हम इसको थोड़ा इजी वे में बना देते हैं। इसको थोड़ा इजी वे में बना देते हैं।